दोस्तों, ये जो खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, उगता हुआ सूरज और ये शानदार पहाड़, चारों तरफ से वैली है ये, और बीच में हमारा ये लैंड है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारे पास, बहुत ही शानदार गेटेड फार्म हाउस जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है बहरोड़। और बहरोड़ एक छोटा सा तहसील है जहाँ पे प्रॉपर ज़मीनों की रजिस्ट्री वगैरह होती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे किसान रहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपना खुद का फार्म हाउस बना के रह रहे हैं। इसके आसपास काफ़ी नेचुरल एम्बियंस है, आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं नेचर को। और ऐसे लोकेशन में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो आइए चलते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। तो आइए चलते हैं, मेरी नज़रों से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्यों लेना चाहिए आपको लैंड, और क्या क्या फ़ायदे हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के। आज मैं आपको फार्म हाउस के पास जो जंगल का इलाका है वहाँ आपको लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 बज रहे हैं अभी, और ये पूरा जंगल का इलाका है। यहाँ से हमारा फार्म का बाउंड्री ख़त्म होता है और ये जंगल का इलाका शुरू होता है। तो यहाँ अगर आप आते हैं, यहाँ अगर आप फार्म हाउस बनाते हैं, या अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे स्टे करने के बाद आपको क्या एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा, इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा इसका। ये सड़क जा रही है, ऊपर मंदिर है, एक नीलकंठ महादेव मंदिर है, और यहाँ पे ज़्यादातर चरवाहे लोग आते हैं भेड़ बकरी चराने। और सरकारी यहाँ पे घुल बना हुआ है, यानी कि एक नाला जैसा, जब बरसात पीक पे होता है, ऊपर जब बारिश बहुत होती है, तो यहाँ पे ऊपर का पानी सारा नीचे आता है पहाड़ से। और ये जंगल हमेशा ऐसे ही रहता है। यहाँ पे आपको कई सारे बर्ड्स मिल जाएंगे देखने को, सुबह सुबह अगर आप वॉक करते हो, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुकून वाला माहौल रहता है यहाँ का। ठंडक है और बिल्कुल ही आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा यहाँ पे। दिन में भी अगर आप आते हो तो यहाँ पे ठंडक सी रहती है। ये भी इंटर कनेक्टिंग रास्ता है, कहीं अंदर से ही आप अगर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो ये ऑफ रोडिंग रोड है बेसिकली। अगर आपके पास कोई SUV टाइप कोई कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। आइए और आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से एक पतली सी पगडंडी सी जा रही है, ऐसे एक्चुअली ये रोड है, काफ़ी चौड़ा ये रोड है, लेकिन इसको सफाई नहीं करा इसलिए यहाँ पे। तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है इस प्रोजेक्ट को लेके, इसमें रिजॉर्ट बनाने का प्लान है, और कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी है हमारे साथ जो अपना ऑलरेडी होटल रिजॉर्ट चला रहे हैं दूसरे स्टेट में, वो अब यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा एडवांटेज है, यहाँ पे आप बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए पहाड़ है यहाँ पे, हिल्स है, और साथ साथ नेचर वॉक है, फॉरेस्ट है। आप यहाँ पे अपने गेस्ट को कई सारे एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं इस लोकेशन में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीरान सा कोई प्लेन सा एरिया है, इट्स ए प्योर हिली एरिया प्लस फॉरेस्ट एरिया। तो इन दोनों का फ़ायदा यहाँ पे बहुत मिलेगा अगर आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। तो आइए चलते हैं एरिया। ये हमारा ऑफ रोडिंग का बेसिकली ट्रैक है, कोई भी बड़ी सी बड़ी गाड़ी यहाँ पे आप ला सकते हो, कोई भी SUV यहाँ पे आप लेके आ सकते हो। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आप ड्राइव करोगे, मैंने भी बहुत यहाँ पे ऑफ रोडिंग की है। इतनी शांत वातावरण है, आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, नेचर इसी को कहते हैं एक्चुअली। हम बिल्कुल नेचर के बिल्कुल गोद में बैठे हैं, बिल्कुल उसके साथ हैं। और ये फिर एक रास्ता इधर की तरफ चला गया और एक रास्ता ऊपर की तरफ चला गया। अगर आपको पहाड़ के ऊपर जाना है तो ये वाला रास्ता आप ले सकते हैं, इससे आप थोड़ी हाइट पे चले जाएंगे। ये वाली सड़क पैरेलल रोड है, जो इस तरफ जो खेत है उसके साथ साथ ये वाली सड़क चल रही है, और पहाड़ के राइट साइड में आपका पहाड़ है और लेफ्ट साइड में खेत है ये। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये बिल्कुल पहाड़ के नीचे हम आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, ओपन स्पेस है, इवन आप यहाँ पे अपना पार्टी वगैरह करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, टेंट वगैरह लगा के।
तो जैसा मैंने बोला, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए ये जगह बहुत ही शानदार है और पिकनिक स्पॉट है। अभी भी हम मतलब ऐसे लोकेशन में खड़े हैं जहाँ से आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं पहाड़ों पे। वहाँ ऊपर एक मंदिर है, उस तरफ एक मंदिर है, नीलकंठ मंदिर है, छोटा सा मंदिर है और लोग वहाँ तक जाते हैं, ये रास्ता वहाँ जा रहा है। तो एक छोटा सा मैं आपको एक ये एरिया दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, कि यहाँ पे चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, ये वाला एरिया है, इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे। सूरज निकलता हुआ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस लोकेशन से अगर आप, सुबह का टाइम है, 6:15 बज रहा है, सूरज निकल रहा है, क्या बेहतरीन नज़ारा है। और ये बिल्कुल हिल्स के बीच में हम हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आपको? तो मैं ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करता रहता हूँ, यूनिक जगह। और ये जगह दिल्ली से मात्र 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग डिस्टेंसेस हैं। नोएडा से 140 से 150 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से 3.25 घंटा लगता है, 3.5 घंटा मैक्सिमम आराम से अगर आप आते हो। नोएडा से 2.5 से 3 घंटा लगता है, क्योंकि मैं खुद आ चुका हूँ। और गुड़गांव से सिर्फ 100 किलोमीटर है। डिफरेंट लोकेशन से थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है, बट एवरेज कनेक्टिविटी 100 किलोमीटर है। और बहुत स्मूथ रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, और एक अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब्स है। तो एक बार ज़रूर आके आप इसको चेक करें। प्राइस रीजनेबल है, कहीं नहीं मिलेगा आपको 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड में फार्म लैंड, पूरे आप एरिया में चेक कर सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ है, बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ रहने में। अभी मैंने अपना मोबाइल चेक किया था, उसमें अपडेट आया था, यहाँ का AQI लेवल अभी है 42। आप खुद अंदाज़ा लगाइए 42 AQI कितना बेहतरीन AQI लेवल है, मतलब यहाँ का वातावरण, यहाँ का नेचर कितना शुद्ध है। और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, सूरज उग रहा है, सनराइज हो रहा है, और ईस्ट फेसिंग है ये, मेरे ठीक बैक साइड में ईस्ट फेसिंग है, और इस तरफ वेस्ट फेसिंग है। सूरज इधर से निकलता है शाम में, इस तरफ सूरज डूब रहा है। मतलब आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो, यहाँ पे अगर आप अपना फार्म हाउस बनाने का प्लान करते हैं या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल नेचर के बीच में रहने का आनंद मिलेगा। और ऐसे जंगलों के बीच में आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ यहाँ बैठ के पिकनिक इन्जॉय कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर है आसपास में, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो 100 से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप यहां पे कर सकते हैं। सरिस्का यहां से लगभग 1.25 घंटे का रास्ता है, हार्डली मैटर्स। आप अपने फार्म पे आए हो, आपको अगर लाइक टाइगर रिजर्व पार्क जाना है या आसपास के पैलेसेस वगैरह देखने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहां पे करने को, एक्टिविटीज़ करने को मल्टीपल चीज़ें हैं। कॉलेज है, स्कूल है अंदर, अगर कोई यहां रहना चाहता है तो बच्चों के लिए स्कूल भी है, आसपास में क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, डेली नीड की चीज़ें हैं, लिकर्स वगैरह भी आसपास में सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है ये, और पक्की ज़मीन है, बिजली है, पानी है, रीजनेबल प्राइस है, उर्वरक ज़मीन है, कुछ भी खेती करके आप यहाँ पे उगा सकते हैं, लेबर आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। तो आई मीन टू से कंप्लीट पैकेज है। सुबह सुबह का टाइम है और मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह वॉक करता हूँ और प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ, तो आज सोचा आपको भी यहाँ के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँ। थैंक यू सो मच। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट से जब आप जुड़ते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी देखी जाती है, और ये एक लैंड का प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, और नेचर है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न है, शहर से पास है, 2 घंटे की ड्राइव है दिल्ली NCR से, हाईवे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है, आसपास में नेचुरल आपका एम्बियंस है, खेत है, खलिहान है,
आपस के आसपास के लोग अच्छे हैं, गांव का माहौल है, आपके बच्चे भी अगर यहाँ आएंगे तो वो इंजॉय करेंगे। तो ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिसके वजह से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए, इसके लिए आपको एक विज़िट ज़रूर करनी चाहिए। यह हमारा फार्म का सबसे लास्ट पोर्शन है, क्योंकि स्टार्टिंग जो है हमारा उधर से है, उस डायरेक्शन से इंट्री हमारी, जो ऐसे ये रोड जा रही है ना, समझ लें कि सीधा ये रोड जितनी दूर आपको दिख रही है सड़क, इतनी ही दूर और चलेंगे तो हमारा मेन एंट्रेंस आ जाएगा, गेट आ जाएगा। वहाँ से हम एंट्रेंस से इंटर करते ही हम राइट लेते हैं, और राइट लेके फिर लेफ्ट लेते हैं, और लेफ्ट लेके देन लेफ्ट लेते हैं, और फिर ये वाली रोड आ जाती है। ऐसे घूम के आना आपको एक राउंड लगा के, बड़ा शानदार। क्योंकि फुटहिल्स पे चाहिए तो फुटहिल्स के लिए आपको थोड़ा अंदर ही आना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो फुटहिल्स नहीं है वो। इसमें दो लैंड है, एक एक बीघे का दो पैच है इसमें 2 बीघा लगभग लैंड है। तो आपको अगर हिल्स के पास चाहिए तो वो वाली जगह है, अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, खेत है पूरा, अभी इसमें जुताई हुई है। तो ये वो वाला एरिया है उस पोर्शन में, वो जो दिख रहा है आपको कोना कॉर्नर दिख रहा है, वो कॉर्नर आपको मिलेगा। और यहाँ से एक हम 30 फुट की सड़क डालेंगे, इसके बीच से ये वाला पोर्शन में हम एक सड़क डालेंगे। तो 2 प्लॉट इधर और 2 प्लॉट इधर। अभी एक गुड़गांव के एक क्लाइंट ने ये अभी परचेज़ किया है, दोनों ज़मीन 2 बीघा, तो उनका पूरा यहाँ से फ्रंट से एंट्री है, आपकी जो एंट्री होगी वो वहाँ से होगी। ये ज़मीन अगर आपको फुटहिल्स वाला चाहिए, और अगर आपको रोड वाला चाहिए तो ये वाला मिल जाएगा डबल साइड का। इसमें भी आपको एक तरफ से जंगल का एरिया मतलब मिलता है, क्योंकि ये लैंड आगे जाके एंड हो जाती है, और बीच में आपका एक जंगल का पोर्शन है छोटा सा, वो रास्ता आगे चला जाता है गांव के लिए। और ये हमारी बाकी ज़मीनें हैं। ये अपने फार्म हाउस से अगर आप अंदर वाले सड़क से बाहर निकलते हैं तो ये गांव का इलाका है, और सेफ्टी के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो आपका मेन गेट तो सिक्योर्ड ऑलरेडी है, क्योंकि वो मेन एंट्री है और चारों तरफ बाउंड्री है, और दूसरी तरफ ये वाली सड़क है जिससे इस फार्म हाउस के जो मेन केयर टेकर हैं उनका घर है, तो यहाँ पे दूसरा गेट है, आप ये समझ लें। तो फार्म हाउस का सेकंड जो गेट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी वॉच डॉग वगैरह सब कुछ है, और बड़ा अच्छा विलेज है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ भी खड़ी है सामने, ट्रैक्टर ट्रॉली सब खड़ा, पानी का टैंकर खड़ा, सारी व्यवस्था है। और ये हमारे जो मेन है उनका घर है, ये आपका प्राइवेट घर है इनका, ये देखिए ये वाला घर है इनका। ये हमारा सेकंड गेट है, यहाँ पे भी बिजली पानी सब कुछ है, मतलब कंप्लीट। गांव की सड़कें अंदर, यहाँ पे देखिए ईंट का ये चल रहा है छोटा सा एक बिजनेस, वो इंटरलॉकिंग वाला, ये लोगों ने फार्म हाउस लेके छोड़ा हुआ है यहाँ पे भी। ऐसे RCC वाली सड़क है, पक्की सड़क है बिल्कुल, क्योंकि सिटी के बारे में तो आपको पता है, निमराना में एवरीथिंग इज देयर, लाइक सारे मॉल्स, बड़े बड़े स्टोर, वाइन शॉप भी है यहाँ पे पास में। इस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, और ये वाली सड़क है हमारे लैंड तक जाने के लिए। बहुत ही प्यारा इलाका है, नेचुरल है बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कीकड़ के जंगल होते हैं ज़्यादातर, और काफ़ी हरा भरा होता है, कीकड़ का जंगल भी काफ़ी घना होता है, और यहाँ भी जंगली जानवर आपको मिलेंगे छोटे छोटे। और शाम को ऐसे ही मौसम यहाँ का बिल्कुल ठंडा हो जाता है, अभी ठंड का मौसम आ रहा है तो दिन छोटी होनी शुरू हो गई है, और धूप भी निकलनी शुरू हो गई दिन में, जैसे जाड़ों में आपने देखा होगा ज़्यादातर धूप निकलती है दिन में, तो उसी प्रकार से यहाँ का भी मौसम वैसे ही रहता है। और ये आगे गरेड़िया है, वो भेड़ लेके जा रहा है आगे चराने। ये ठीक हमारे फार्म हाउस के एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में मधुमक्खी पालन भी होता है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हनी प्रोडक्शन भी है यहाँ पे, ये देखिए लगाया हुआ है, आप भी कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं ऐसे जगह पे, आप इन्वेस्ट करके पेड़ लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं, अपना फार्म हाउस बना के छोटा सा एक होम स्टे चला सकते हैं। पीसफुल लोकेशन है तो यहाँ पे आप रह सकते हैं, पर्सनल लाइफ है अच्छी, यहाँ का AQI लेवल काफ़ी कम है। ये वाली भी सड़क है, तो ये 2 सड़क है एक्चुअली, मैं आपको बहुत ही डेप्थ में बता रहा हूँ। ये एक एंट्रेंस है हमारी, ये एंट्रेंस है, और दूसरी ये एग्ज़िट होगी। अभी फ़िलहाल हमने इसको बंद किया हुआ है, जब ये लैंड ऑपरेशनल हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, तब हम ये वाली सड़क खोलेंगे।
ये सब लाइट का पिलर है, ये लाइट लगेगा यहाँ पे, सोलर लाइट्स लगेंगे सारे पिलर्स में। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है, और जैसे यहाँ रोड़ी बिछा हुआ है तो पूरे रोड में रोड़ी बिछा के इस पर हम RCC कंस्ट्रक्शन आपको करा के देंगे। कहीं कहीं पे इंटरलॉकिंग, जहाँ पे साइड में इंटरलॉकिंग और बीच में RCC, तो ये सारे लैंड्स हैं। ये ऑलरेडी लैंड है, किसी ने लिया हुआ है। इस तरह का एक कमरा बना के देते हैं 10x10 का, ये भी लैंड है। पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ है। जनरली फार्म हाउस के अंदर जैसे कोई नया फार्म हाउस काटता है तो उसमें पेड़ लगाता है छोटा छोटा, बट ये पुराना है। यहाँ से हम राइट टर्न लेते हैं, ये हमारी मेन रोड हो गई, ये हमारा हिल्स हो गया सारा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हिल्स हो गया, ये हमारा फार्म लैंड हो गया। ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, बिल्कुल फर्स्ट रो में ही है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा फार्म हाउस है, और टाइटल वगैरह सब आपको मिल जाएगा इसमें, रेजिडेंशियल टाइटल, फार्म हाउस टाइटल, एग्रीकल्चर टाइटल, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आपका लैंड है दूसरा ऑप्शन, ये भी एक अच्छा लैंड है। तो ये फुटहिल्स के बिल्कुल नीचे है, ये वाले लैंड भी फुटहिल्स पे है। ये हमारा क्लब का एरिया आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे JCB रखी है, परमानेंट JCB है यहाँ की, ये हमेशा कोई भी काम होता है तो यहीं पे रहती है खड़ी हमेशा। और ये हमारा स्टे एरिया है जहाँ पे हम रुकते हैं, ये फार्म हाउस बना हुआ है। ये दूसरा पैच है, बिल्कुल फुटहिल्स के नीचे है ये भी। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत है तो ये बेहतरीन नज़ारा आप रोज़ देख सकते हैं। यहाँ पे सुबह बहुत बेहतरीन, बहुत ही सुकून भरी आपको यहाँ पे नज़ारे नज़र आते हैं, सूरज निकलता हुआ, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। आप यहाँ पे योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है और पूरा दिन आपका अच्छा, अगर सुबह अच्छी होती है तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है, मेरा ये मानना है। तो मैं अक्सर सुबह ही उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले, और बहुत आनंद आता है ऐसे नज़ारों में रह के। ये शानदार जो हवा चल रहा है, आज का मौसम है बड़ा सुहाना मौसम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, आलीशान, जानदार मौसम। लिटरली बहुत ही आनंद आ रहा है ऐसे मौसम में, ऐसे ब्रीज जो चल रहा है, हवा जो चल रही है, इतनी खूबसूरत, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा फीलिंग आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता अपनी फीलिंग, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ अभी, मैं चाहता हूँ आप भी ऐसे मौसम का आनंद लें और इस बेहतरीन गेटेड एक खुद का फार्म हाउस बनाएं। ये देखिए कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत हवा चल रही है, चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़। ऐसा फार्म हाउस डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, फूल भी खिल गया है, इससे पहले बोगनविला खिला था, चारों तरफ गुलाबी ही गुलाबी कलर नज़र आ रहा था। और ये क्लब हाउस बनते ही इसकी तो शान ही बढ़ जाएगी, मेरी आवाज़ भी आपको कम आ रही होगी, हवा ही इतनी तेज़ चल रही है, इतना बढ़िया, मतलब सारे पत्ते हिल रहे हैं ऐसे। जल्द से जल्द आएँ, समय निकलता जा रहा है, क्योंकि देखिए सामान लैंड वगैरह तो हमेशा मिलता रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रेट्स बढ़ जाएंगे फिर, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा देर ना करें, जल्द आएँ और इतने सस्ते रेट में अपने लिए ज़मीन खरीदें। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर अब लोग अपना फार्म हाउसेस बनाना शुरू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, ये एक सैम्पल है, इट्स नॉट ए सैम्पल, मतलब मैं आपको इस वीडियो में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्विमिंग पूल वगैरह बन रहा है, फार्म हाउस बन रहा है, आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं लोग, और इन हाउस हमारे पास सारे सॉल्यूशंस हैं अगर आप यहाँ चाहते हैं कि खुद का फार्म हाउस बनाना लेके ज़मीन खरीद के, क्योंकि ज़मीन सस्ती है तो आप अपने फार्म हाउस में अच्छा पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि मेन तो लैंड
मैटर होता है कि आपने लैंड कितना बड़ा एरिया लिया है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास लेते हैं तो करोड़ में जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ही लाखों में, लाइक एक बीघा ज़मीन यहाँ पे हम आपको मिनिमम 45 लाख में दे देते हैं, दैट इज़ 1500 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। इतनी सस्ती ज़मीन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी मिल पाएगा, पक्की ज़मीन, क्योंकि पक्की ज़मीन का मतलब होता है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं होता है गवर्नमेंट का, यू कैन बिल्ड बिग एरिया, यू कैन यूज़ लैंड एज ए प्रॉपर रेसिडेंशियल पर्पस। इसमें मतलब उस तरीके का नहीं होता कि 2 फुट नीचे कंस्ट्रक्शन करना है, ऊपर आपको दूसरे मटेरियल का, इको फ्रेंडली मटेरियल का, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे पूरा पक्का कंस्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर आप विंडोज़ वगैरह प्रॉपर बनाएं, छत आप प्रॉपर लैंटन वगैरह जैसे होता है छत की ढलाई करवाएं पक्की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेनिफिट है आपके लिए, लॉन्ग टर्म है। एक बार अगर आप अच्छे से मकान बना लेते हैं तो आपको कई साल तक सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 20 साल, 50 साल, 100 साल, मतलब आपके आने वाले पीढ़ी भी इसको इंजॉय करेंगे। और मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी जगह पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन पुराने लोग हैं जो अपने गांव में वापस जा रहे हैं क्योंकि वो एरिया बहुत डेवलप हो चुका है आज, किसी को कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि छोटे छोटे शहर भी इतने डेवलप हो चुके हैं। ये तो दिल्ली एनसीआर के पास है, मैं तो इस एंगल से देखता हूँ। और सबसे अच्छी बात है रोड है इसमें, रास्ता है, इतना बेहतरीन सड़क है, पक्की सड़क है, RCC और ब्लैक कारपेट है, हाईवे के बिल्कुल कनेक्टेड है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, दैट इज़ हाईवे, स्टेट हाईवे, और स्टेट हाईवे से मेन NH बहुत नज़दीक है यहाँ से, और सारी फैसिलिटी है। तो लोग तो ऐसे ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ रास्ता तक नहीं होता। और आप खुद सोचिए, इतनी सस्ती ज़मीन 1500 रुपये, 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड, 1800-1900 रुपये स्क्वायर यार्ड में आपको शायद ही कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे रोड हो, पानी हो, बिजली हो, सारी सुविधाएं हो, आसपास में नेचर भी हो, जो कि एक एडेड एडवांटेज है, तो शायद ही मिल सकता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल्टी मैग्नेट में। और आज हम बात करने वाले हैं फार्म लैंड्स के बारे में, आपको इस लोकेशन में फार्म लैंड क्यों लेना चाहिए और यहाँ पे लेने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे मेन बेनिफिट है फार्म लैंड वो लेना चाहते हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना खुद का घर है या ऑलरेडी उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने किया हुआ है और अब एक सेकेंडरी काइंड ऑफ एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें उनको एक नेचर का बेसिकली फील चाहिए। और आजकल के जो बच्चे हैं शहरों में रहते हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो उनको नेचर के लिए या तो किसी ट्रिप में लेके जाते हैं स्कूल वाले ज़्यादातर, या आप उसे किसी ऐसे लोकेशन में लेके जाते हैं जहाँ पे उनको ऑर्गेनिक चीज़ें दिखाई जाती है कि बच्चे ये हैं सब्जियाँ हैं या ये फूल है। तो आप यहाँ पे खुद का एक अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लोकेशन है, ये जो लैंड का एरिया है, ये 2500 स्क्वायर यार्ड एरिया है, ये वाला पूरा एरिया ये 2500 स्क्वायर यार्ड एरिया है। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा एरिया, 2500 स्क्वायर यार्ड एरिया, और ये बेसिकली एक प्रॉपर विलेज के अंदर है, इट्स नॉट ऑन द बैंक ऑन एनी रिवर और एनी नाला और समथिंग लाइक दैट। ये बिल्कुल आपके शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे और दिल्ली एनसीआर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव में। अब 2 घंटे की ड्राइव भी एक चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर आपके पास अपनी कार है, जनरली लोगों के पास अपनी कार है, तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे ड्राइव करके इस लोकेशन पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी है, और ड्राइविंग का अलग ही मज़ा है। और सबसे अच्छी बात है ये जो हाईवे है, इसको NH 48 बोलते हैं, पहले NH 8 बोला जाता था, अब इसका नाम चेंज हो गया है। तो ये जो NH 48 हाईवे है, ये गुड़गांव से और कई सारे शहरों से कनेक्टेड है। अगर आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो आप ईस्टर्न पेरिफेरल से आ सकते हैं यहाँ पे, और अगर आप दिल्ली रहते हैं तो आप डायरेक्ट गुड़गांव द्वारका वाले रोड से स्ट्रेट आ सकते हैं मानेसर होते हुए, और अगर आप गुड़गांव रहते हैं तो डायरेक्ट आप गुड़गांव मानेसर टोल से क्रॉस करके यहाँ आ सकते हैं। मानेसर से सिर्फ 100 किलोमीटर है मानेसर के टोल से, और ये जो लोकेशन है ये राजस्थान में आती है बेसिकली। अब राजस्थान भी एक चैलेंज है कि आप दिल्ली से हरियाणा क्रॉस करके सीधा राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ये हरियाणा के बॉर्डर से लगता हुआ है बिल्कुल। यहाँ पे नारनौल है, काफ़ी नज़दीक है यहाँ से, लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पे नारनौल है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हरियाणा, इस बॉर्डर। और इस तरफ आपका बावल है जो शाहजहाँपुर के पास पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो हरियाणा। तो आप हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर में है, यहाँ का कल्चर राजस्थानी और हरियाणवी दोनों है, लैंग्वेज भी थोड़ी वैसी है, तो काफ़ी लोग समझ ही नहीं पाते कि हरियाणवी बोल रहा है या राजस्थानी बोल रहा है, लेकिन
बहुत मीठी जुबान है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे छोटा सा विलेज है, बहुत प्यारा गांव है और मुझे यहाँ अच्छा लगता है ना, अक्सर मैं यहाँ पे आता हूँ। और आप देख सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी दिखाया है कि यहाँ पे कितनी तेज़ी से प्लांट्स ग्रो हो चुका है, मतलब यहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक है, बहुत अच्छी मिट्टी है। आप देख सकते हैं मिट्टी नीचे, ये अभी हमने 2 हफ्ते पहले ट्रैक्टर लगवाया था और एक दो बार बारिश हुई है। अभी खैर बारिश कुछ हफ्तों से नहीं हुई है, 1 हफ्ते से। अब इसमें एक दो बार और सफाई होगी और इसमें कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अगर ये लैंड अभी, सिंस ये वाला लैंड अभी अवेलेबल है, अभी ये लैंड हमने बेचा नहीं है किसी को, तो हमारे पास 2500 स्क्वायर यार्ड के 2 प्लॉट्स हैं। ये जो बीच में बाउंड्री है, इसके ठीक बगल में सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का हमारे पास 2500 स्क्वायर यार्ड का एक और प्लॉट है। तो अगर कोई 1 एकड़ के आसपास लेना चाहता है तो ये एग्जैक्ट जो एरिया है 4840 स्क्वायर यार्ड का 1 एकड़ होता है, तो ये 5000 स्क्वायर यार्ड एरिया है एरिया वाइज। और बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको आज इस वीडियो में, इस ज़मीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 1,25,00,000 रुपये। वो पूछिए कैसे, क्योंकि ये ज़मीन का टाइटल है रेसिडेंशियल। हम फार्म लैंड की बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये रेसिडेंशियल टाइटल का लैंड है, जो कि बहुत रेयर मिलेगा, मतलब बहुत रेयर मिलता है। आप पता कर लीजिए, कहीं भी आपको रेसिडेंशियल टाइटल में फार्म लैंड नहीं मिलता। तो इसके पीछे कुछ लीगैलिटीज़ हैं जो हमने इस लैंड के लिए कराया था, दैट इज़ कन्वर्टेड लैंड, CLU कराया हुआ इसका। तो इट्स ए रेसिडेंशियल टाइटल, प्योरली रेसिडेंशियल टाइटल लैंड। सो आप इसमें 70-80% तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लैंड में 70-80% कौन कंस्ट्रक्शन करता है, शायद ही कोई करता होगा। बट अगर आपके दिमाग में कुछ रिजॉर्ट बनाना है, कुछ इस तरह का बड़ा डेवलपमेंट करना है, तो लगभग आप 400 फुट फ्रंट मान लो इसका और लगभग 350-350 फुट की डेप्थ मान लीजिए आप इसकी, तो 400 by 350, 400, मतलब इतना बड़ा ह्यूज लैंड आप इसमें काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। जो भी क्रिएशन आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे गैजिबो बनाना है, मुझे स्विमिंग पूल बनाना है, मुझे बच्चों के लिए एक अलग से प्ले एरिया बनाना है, मुझे क्रिकेट नेट प्रैक्टिस एरिया बनाना है, मुझे छोटा सा चिप एंड पट काइंड ऑफ एक छोटा सा मेरे को एरिया बनाना है, मुझे पार्किंग चाहिए, मुझे एक पॉन्ड बनाना है, मुझे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस बना सकते हैं। तो माइंडसेट अपना होना चाहिए, क्रिएटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करने के लिए। अब आप पूछोगे चलेगा कैसे। अब ये है निमराना इंडस्ट्रियल जोन से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर, ओनली 12 किलोमीटर। निमराना फोर्ट अपने आप में एक बहुत शानदार, आप कह सकते हो, पैलेस है जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इट्स ए लाइक जस्ट लाइक ए लग्जरी होटल, 5-star होटल। एक दिन का मतलब रेंटल वहाँ का शायद 12,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक होता है। लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत लोग लंच करने आते हैं, बहुत लोग सिर्फ घूमने आते हैं, टूरिस्ट यहाँ बहुत है क्योंकि अलवर का एरिया है और यहाँ पे कुछ ना कुछ है घूमने के लिए। लोग आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, कोई मतलब क्वाड बाइकिंग करता है, कोई बाइकर्स आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है क्रिएशन। लाइक आप भी खुद बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ पे पता नहीं होता, लेकिन आप गूगल में सर्च करते हैं ट्रैवल एजेंट्स या जो मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, नए नए एरियाज़ को टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, वो उसी प्रकार का एरिया है। और सबसे अच्छी बात, दिल्ली NCR से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे, सिर्फ 2.5 घंटे की दूरी पे इतना शानदार, इतना शांत एरिया, चिड़ियों की चहचहाट। यहाँ का सबसे अच्छा ये नेचर ये है कि यहाँ पे आपको इतने प्रकार के बर्ड्स नज़र आ जाएंगे, इतने प्रकार के, क्योंकि यहाँ बर्ड वॉचिंग जोन है ये पूरा। यहाँ पे छोटे छोटे जानवर भी आते हैं जंगल से, खरगोश, फॉक्स, ये वो छोटे छोटे जानवर यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है इस बाउंड्री के बाद, दैट इज़ ये जो लैंड है हमारा, इसको हम बोलते हैं फुट हिल्स का लैंड है ये। फुट हिल्स, प्रॉपर हिल्स के फुट में हम हैं, बिल्कुल हिल्स के पैरों के पास फुट हिल्स में लैंड है ये हमारा। और फुट हिल्स का लैंड हमेशा प्रीमियम माना जाता है इस इंडस्ट्री में, फार्म लैंड के इंडस्ट्री में फुट हिल्स का लैंड हमेशा प्रीमियम माना जाता है। तो ये 1.25 करोड़ का लैंड मैं आपको बहुत ही शानदार रेट में ऑफर करने वाला हूँ, हालांकि इसकी डिमांड बहुत है। कभी मतलब सिंस ये हमारे मेन एंट्रेंस से पहला और दूसरा नंबर का प्लॉट है, 1 और 2। और इसके अलावा हमारे पास आगे कुछ डेवलप्ड प्लॉट हैं जहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपको हिल्स फेसिंग की तरफ मिल जाएगा, आपको ईस्ट फेसिंग में मिल जाएगा, आपको ईस्ट फेसिंग में मिल जाएगा, ऐसे कई सारे हमारे पास
5-7 लैंड्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी अभी फिलहाल। अब मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री, इसलिए सोच समझ के आप डिसाइड करना कि यहाँ पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। रेट मेरे वीडियो में हमेशा लिखा हुआ रहता है और अट्रैक्टिव रेट है, क्योंकि ये लैंड ऑलरेडी CLU कन्वर्टेड है और रेजिडेंशियल टाइटल है, तो इसका रेट थोड़ा सा अलग है। डेफिनेटली 25 करोड़ रुपये इसकी मार्केट यानी कि सरकारी वैल्यू है, बट इसकी जो एक्चुअल हम जो आपको ऑफरिंग वैल्यू है हमारी, हम जो ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ 1 CR। तो आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वीडियो में डायरेक्ट 25 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, स्ट्रेट 25 लाख रुपए का, बहुत बड़ी बात है। और 1 करोड़ रुपए में आपको मैं 5000 स्क्वायर यार्ड एरिया दे रहा हूँ, जिसमें ये बाउंड्री वॉल इंक्लूडेड है, कन्वर्जन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और आपको सिर्फ रजिस्ट्री करानी है और अपना जो भी डेवलपमेंट गेट्स वगैरह लगाने वो आपका काम है। क्योंकि अगर आपको और डेवलप चाहिए तो उसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा एडिशनल कॉस्ट। तो बस आज के लिए इस पर्टिकुलर लैंड के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत ही प्योर जगह है, बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही शुद्ध वातावरण है। आपके बच्चे आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ दी, इतना बढ़िया गिफ्ट दिया है। लेके छोड़ देंगे तो आने वाले 10 साल में, पेड़ लगा देंगे तो आने वाले 10 साल में करोड़ों की हो जाएगी, ज़मीन भी हो जाएगी करोड़ों की और पेड़ भी हो जाएंगे करोड़ों के। और यहाँ पे अपना एक थोड़ा सा कॉटेज बनाएं और आराम से यहाँ इन्जॉय कर सकते हैं आप। बिज़नेस करना है तो बिज़नेस कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। साथ में ये वाली जो लैंड है ये भी 2500 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है, तो दो लैंड है, एक ये वाली ज़मीन है और इसके ठीक बगल वाली ज़मीन, दोनों मिला के 5000 स्क्वायर यार्ड एरिया बनता है टोटल। तो अगर आप दोनों लैंड एक साथ लेना चाहते हैं तो ये दोनों लैंड आप ले सकते हैं। ये वाली बाउंड्री हम बीच वाली बाउंड्री हटा देंगे और ये वाली लैंड दोनों मिला के 5000 स्क्वायर यार्ड एरिया बन जाएगा आपका। दिखाता हूँ इसके सामने कितनी चौड़ी सड़क है, और ये लैंड भी बिल्कुल सेम वैसी फुट हिल्स के बिल्कुल पास में है। इसके पीछे कुछ भी नहीं है, लाइफ टाइम आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। आप पीछे से भी अपना एक छोटा सा एंट्री कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट का एरिया, इसलिए हम लोग जनरली ऐसे अलाउ नहीं करते, बट आपकी मर्जी है, आपकी ज़मीन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट एरिया है लैंड के सामने, तो इतना लगभग 5-6 फुट तो हमने यहाँ पे आपको एक ग्रीन एरिया दिया है, जो इसी लैंड का एग्जैक्टली पार्ट कह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन रास्ते में आ गया है। इसलिए हम आपसे, क्योंकि ज़मीन हमारी जो है, हर लैंड का जो साइज़ है दैट इज़ 3,000 स्क्वायर यार्ड एरिया, तो 3,000 स्क्वायर यार्ड एरिया में ये कुछ एरिया हमारा रोड में चला जाता है, लेकिन हम आपसे सिर्फ 2500 स्क्वायर यार्ड एरिया का पैसा ले रहे हैं। वी आर नॉट लाइक चार्जिंग फॉर 3,000 स्क्वायर यार्ड एरिया। तो ये सेम, ये जैसे ये रोड है तो इधर भी एक रोड है हमारे पास, बट अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। जब इसकी सफाई हो जाएगी और जब इधर का भी कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाएगा तब हम इस रोड को ओपन करेंगे, जब यहाँ पे लोग आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल इतनी बड़ी सड़क काफ़ी है, 30 फुट की, आराम से इसमें गाड़ी आप SUV टर्न कर सकते हैं बिना कहीं से यू टर्न लिए, किसी भी रोड पे खड़े होकर वहीं से यू टर्न बैक कर सकते हैं आप अपनी कार। तो मेन यही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है लोगों की कि गाड़ी अच्छे से टर्न हो जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, और बहुत जल्द ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसमें आपको 24/7 सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा, छोटे छोटे आपको गैजीबो लाइट्स, प्लांटेशन, फ्लावर्स, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक नीड है, पानी, बिजली। और क्लब हाउस ऑपरेशनल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें बेसिक जो यहाँ की फैसिलिटी है उस पर ध्यान देना है, उसको हमें डेवलप करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक लैंड है, ये एरिया है। अभी शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छा माहौल हो जाता है, सुबह और शाम तो बहुत ही बढ़िया माहौल होता है, और ठंड के मौसम में, रेनी सीज़न में यहाँ पे हमेशा हरा भरा रहता है मौसम। गर्मियों में जैसे हर जगह होता है वैसे यहाँ होता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, वहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर 40+ ही रहता है जनरली। अभी इस बार जैसे देहरादून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लगभग 45, 46, 47 डिग्री। तो आप ये ना सोचिए कि राजस्थान है तो यहाँ बहुत गर्मी होगी, क्योंकि ये हरियाणा दिल्ली NCR के पास है, तो सेम वैसे ही वेदर होता है। बट यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, देख सकते हैं, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बाकी जगह से काफ़ी नॉर्मल और डाउन रहता है।
और आप यहाँ सिर्फ फ़ैन या कूलर या अगर बहुत गर्मी पड़ रही है किसी टाइम तो एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ पे नेचुरल चीज़ें बहुत सारी है, आप अपना गार्डन बना सकते हैं, किचन गार्डन बना सकते हैं। जैसे ये एक छोटा सा फार्म हाउस है, ये एक बीघे का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक नमूना है, डिज़ाइन है आपके लिए कि आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। ये राजस्थानी स्टाइल में एक हाउस बनाया गया है, एक एसी लगाया गया है। यहाँ पे पीछे आपका किचन गार्डन है, अभी इसमें टमाटर, प्याज, मिर्च और कई सारे वेजिटेबल्स जो अभी सीजनल वेजिटेबल्स हैं उसकी तैयारी चल रही है, वो यहाँ पे लगेगा। और पीछे आम के, चीकू के, नींबू के, इसमें नींबू का फल आना शुरू हो गया है और अमरूद, आंवला, नीम और कुछ लाइक क्या बोलते हैं उसको, चंदन के पेड़ भी लगे हुए हैं यहाँ पे। और इसके ठीक बगल में यहाँ पे एक और लैंड है, तो ये लैंड का ऑप्शन भी हम आपको सेल के लिए दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लब हाउस के पास अगर आप लैंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है इस जगह की, जो मैंने आपको लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया, आपको कुछ क्लिक कर रहा होगा। और अगर कुछ क्लिक कर रहा है तो रेट्स बहुत अट्रैक्टिव हैं हमारे पास यहाँ पे, 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस काफ़ी सारे अच्छे अच्छे हैं। आपको एग्रीकल्चर करना है, आपको यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करना है, आपको पैकेजिंग का काम करना है, आप यहाँ पे अपना पर्सनल फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप, यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।